टीम बस पड़ताल पर थी। नजदीकी तीन रोड आश्रम के पास शाम को सूचना मिली कि तीन लड़के हैं जो बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इनकी सूचना पर हमने तीनों लड़कों को राउंड अप किया। राउंड अप करके पता चला कि हमारा मुकदमा में एक मोटरसाइकिल चोरी जो साथ में ले हुए वो बेचने की फिराक में घूम रहे थे, जिनको वहां से गिरफ्तार करके थाने में ला करके इनका पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने 8 वारदातों का खुलासा किया, जो जिनमें से 3 मोटरसाइकिल तो सिविल लाइन 2 तक से चोरी थी, 2 मोटरसाइकिल हमारे थाने की चोरी थी, 1 मोटरसाइकिल और जिसमें पहले ही मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है वो, और 2 अन्य वारदातें और जिनमें लक्ष्मी नगर से एक ओल्ड लेडीज से पर्स छीना था और पुरानी सब्जी मंडी में एक गाड़ी से पैसे चोरी किए। कहाँ ये एक है अर्पित, उत्तर नगर गोहाना का रहने वाला है। दूसरा इसका दोस्त रोशन उर्व बत्ती, ये देवपुरा का रहने वाला है। और तीसरा कुलदीप टोनी, ये दाक्षी गांव का रहने वाला है। तीनों दोस्त हैं। करते चोरी आवारा है, नशे के लिए भी और आवारापंथी में ये वारदात को अंजाम देते हैं। तो अपना तो मुझे किसी से आता नहीं है। नशे भी वैसे नहीं कह सकते सारा, लेकिन आवारापंथी में गट्ठा ठक चलाने के लिए भी तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए तो शौक पूरे करने के लिए। डिमांड पे आज माननीय अदालत में पेश करके 3 आरोपियों को 1 घंटा पुलिस रिमांड लिया गया है, जिनसे गहनता से और पूछताछ की जा रही सही वो दो दो बाइक कहाँ का। है। वो एक अपना रोटा पार्क से चोरी हुई थी और एक मंडी में सत्संग भवन के पास से चोरी हुई, और एक तीसरी बाइक है जो जिसमें वो बाइक हमने पहले ऑलरेडी मिली हुई है, वो पुरानी सब्जी मंडी से चोरी। बताया था नहीं, चैन का मामला नहीं था, ये एक ओल्ड लेडी है अपना लक्ष्मी नगर की रहने वाली, ये अर्पित और उसका दोस्त है ये रोशन उर्व बत्ती, इन दोनों ने मिलकर एक ओल्ड लेडी से पर्स छीना था जिसमें लगभग 10-12 हज़ार रुपये का आसपास था, और इन दोनों ने नेक्स्ट डे ही इसी मोटरसाइकिल पे एक पुरानी सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी थी जिसमें चामड़ी के रहने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ सब्जी लेने गए थे, गाड़ी का शीशा खुला रहेगा और वहाँ पर से पैसे निकाले।